लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक अयोध्या केस पर आज सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन लगातार चली सुनवाई के बाद पूरे देश को वर्षों से चल रहे अयोध्या केस पर फैसले का बेसब्री से इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं किसी तरह के अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरे देश में पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए फैसले के बाद कानून व्यवस्था बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता और धार्मिक गुरु लोगों से शांति बनाए रखने और फैसले को खुले दिल से स्वीकार करने की अपील कर चुके हैं। तस्वीरों में देखें, अयोध्या केस पर ऐतिहासिक फैसला आने से ठीक पहले फैजाबाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कैसा माहौल है। अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहचान पत्र देखकर लोगों को जाने दे रहे हैं। अयोध्या की टेढ़ी बाजार से राम जन्मभूमि असरफी भवन की तरफ जाने वाले मार्गों को किया बंद। अयोध्या स्थित अपने घर के बाहर लोगों से बातचीत करते मोहम्मद इकबाल, अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहचान पत्र देखकर लोगों को जाने दे रहे हैं। अयोध्या स्थित श्री राम अस्पताल के पास नहीं जाने दिया जा रहा है, लोगों को वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित है, आई कार्ड दिखाकर पैदल जाने दिया जा रहा है लोगों को। अयोध्या के सरयू तट के पास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते मंडलायुक्त मनोज में आईजी रेंज राजीव कुमार गुप्ता, अयोध्या नया घाट पर प्रसाद खरीदारी करती महिलाएं।